प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आगमन और आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इन मुद्दों को लेकर विधायक सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह से खास बातचीत की सहयोगी आकाश सरोज ने। झारखंड की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कारण कई हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन मुद्दों पर हैं रांची के विधायक सीपी सिंह। सर, कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है झारखंड बीजेपी की? देखिए, 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, मनाती है। तो पहला बार होगा जो देश के प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि उलिहातु जाएंगे और खूंटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज यदि कोई प्रधानमंत्री ऐसे महापुरुष जिसको यहाँ के लोग भगवान मानते हैं, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाएंगे, तो इससे बड़ा गौरव का विषय हम झारखंडियों के लिए क्या होगा। अब ये अलग विषय है, कुछ लोगों को चिढ़ लगती है, तो जलन का तो कोई दवा नहीं है। जलन का दवा है बर्नौल है, तो हम लोग जो जलते हैं ना उसको बर्नौल कहते हैं, भैया हमसे मुफ्त में ले लो। तो अब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जब झारखंड आएंगे तो झारखंड वासियों के कल्याण के लिए करते रहे हैं, तो उस दिन भी कुछ घोषणा करेंगे। झारखंड तो भाजपा की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण किया। तो आदरणीय मोदी जी खूंटी में पिछली बार भी उन्होंने वहाँ से घोषणा की थी, इस बार फिर घोषणा करेंगे, तो जिसका लाभ हम झारखंड वासियों को होगा। सर, आपने चीड़ और जलन की बात की, अगर हम इसको अगर सही भी मान लें तो क्या नरेंद्र मोदी जी के झारखंड आने से आदिवासियों को कुछ लाभ मिलेगा? आप एक बात बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो जनजातीय मंत्रालय अलग से बनाने का क्या उचित था? बनाया ना, आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाया ना, और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को ही मनाने का क्यों निर्णय लिया? पहले तो नहीं मनाया जाता था। जहाँ तक मेरा राजनीतिक आयु है, लगभग 45-46 साल का, उसमें मैं जानता हूँ कि कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार केंद्र में रहा वो जनजातीय गौरव दिवस तो मनाया नहीं। अब मोदी जी मना रहे हैं, साथ ही आज पूरे देश के अंदर एकलव्य विद्यालय खुल रहे हैं, वहाँ आदिवासी बच्चे पढ़े। तो मेरा ये कहना है कि आदिवासियों के कल्याण के लिए बजट का भी प्रावधान किया गया है, तो इससे फायदा ही ना होगा? यदि बजट का प्रावधान करते हैं और वो राशि खर्च होती है तो उसका लाभ है तो हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को होगा। उसका लाभ तो ना आपको होने जा रहा है ना मुझे होने जा रहा है। मेरा ये कहना है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, पिछड़ा, तो सारे लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। महिलाओं के लिए अलग कल्याण करते हैं, युवाओं के लिए अलग काम करते हैं। तो मेरा कहना है कि उसका लाभ हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को निश्चित रूप से होगा। अगले साल झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो मोदी जी के आगमन से कितना कुछ लाभ मिलेगा? लोकसभा की 14 सीटें और विधानसभा की 81 सीटें, कितना लाभ मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आदरणीय मोदी जी जो आ रहे हैं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दृष्टि से नहीं आ रहे। मैंने बताया पहले भी, उस दिन जनजातीय गौरव दिवस है तो उस दिन खूंटी में ही वो जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। अब ये अलग विषय है कि आने का लाभ लोकसभा विधानसभा में पड़े तो कोई क्या कर सकता है, लाभ तो होना चाहिए। हाँ, ये अलग विषय है कि ऐसा नहीं है कि वो आएंगे उसके बाद फिर झारखंड नहीं आएंगे, फिर झारखंड आएंगे चुनाव में,
चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उस समय आएंगे वो चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे। इस समय जो आएंगे भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर आएंगे। अगले कुछ दिनों में दीपावली है, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब वनवास के बाद और रावण का हत्या करने के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो सब लोगों ने दीपोत्सव मनाया था, जिसको दीपावली कहते हैं, दिवाली कहते हैं। और इसीलिए देख रहे होंगे कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म जहाँ हुआ वहाँ पर यूपी सरकार 21 लाख दिया वहाँ जलाने का काम कर रही है। इसके लिए 21,000 वॉलंटियर वहाँ पर लगाए गए हैं। तो दीपावली की मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, और हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं, तो सभी को जीवन में रंग बिरंगी खुशियाँ हैं, सभी के जीवन में प्रकाश है, यही कामना करते हैं। तो ये थे हमारे साथ रांची के विधायक सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह जी, जिन्होंने मुखर होकर कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड आगमन राजनीति से परे हटकर है। कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ आकाश सरोज, समाचार प्लस रांची।